बस्मीम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक और मैट्रिक्स लेकर हम हाजिर हो गए हैं जिसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी मैट्रिक्स तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जनाब मॉर्फोलॉजी किसको कहते हैं ये जो मॉर्फोलॉजी मैट्रिक्स है इसमें जो वर्ड आ रहा है मॉर्फोलॉजी वो क्या चीज है तो मॉर्फोलॉजी इज समथिंग रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर फॉर्म शेप और स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी जो है ना वो किसी भी ऑब्जेक्ट की उस प्रॉपर्टी से ताल्लुक रखता है जिसमें हम उसके फॉर्म उसकी शेप या उसके स्ट्रक्चर के हवाले से कोई बात करते हैं ठीक है ना अच्छा अब हम आ जाते हैं कि जहां पर हमें स्ट्रक्चर नजर आता है सिस्टम में वो है आर्किटेक्चर क्योंकि आर्किटेक्चर में क्या हम करते हैं कि पूरे प्रोजेक्ट को पूरे सिस्टम को जो प्रोजेक्ट हमें बनाने को दिया गया है जो प्रोडक्ट हमें बनाने को दी गई है तो वो जो हमारी प्रोडक्ट है उसको हम डीकम्पोज करते हैं मॉड्यूल्स के अंदर और ये दिखाते हैं कि वो मॉड्यूल्स आपस में किस तरह से इंटरकनेक्टेड हैं वहां से हम बात शुरू करते हैं अपने आर्किटेक्चर से तो एक तो ये कि जो मॉर्फोलॉजी मैट्रिक है ये किसके अंडर में आती है ये आर्किटेक्चरल डिज़ाइन मैट्रिक के अंडर में आती है और आर्किटेक्चरल डिजाइन मैट्रिक का जो मकसद होता है ना वो आर्किटेक्चर की क्वालिटीज को डिस्कस करना होता है किसी भी हवाले से कि आर्किटेक्चर कितना कॉम्प्लेक्स है उसमें कितने मॉड्यूल्स हैं वहाँ आपस में किस तरह से कनेक्टेड है ठीक है और उसकी मॉड्युलरिटी जो है वो डेप्थ में ज्यादा है या वेथ में ज्यादा है और वो क्या मेंटेनेबल है क्या वो इतना ज्यादा जो है वो डिकम्पोज होता चला जा रहा है कि अगर हम किसी भी चीज को छेड़ते हैं यानी कि अगर उसको मॉडिफाई करते हैं तो उसका असर कई और चीजों पर पड़ेगा बहुत इंटरडिपेंडेंस है उसमें तो ये ये तमाम पैरामीटर्स जो है ना ये आर्किटेक्चर में हमें देखने पड़ते हैं जब हम आर्किटेक्चर को डिजाइन करते हैं क्योंकि आर्किटेक्चर वो चीज होती है जो आगे बुनियाद बढ़ती है फर्दर डिजाइन और डेवलपमेंट की प्रोजेक्ट ठीक है थेके? तो एक बात तो ये हमारे सामने आ गई कि ये जो मॉर्फोलॉजी मैट्रिक है ये आर्किटेक्चर डिजाइन का पार्ट है सेकंड ये स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्वांटिफाई करती है हम जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना जो हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं आर्किटेक्चर में ये उसी को क्वॉन्टिफाई करती है अच्छा ये क्वॉन्टिफिकेशन या वैल्यू किस चीज़ को देती है ये फोकस करती है दो चीजों पर कि वो जो कंपोनेंट्स है ना या वो जो मॉड्यूल्स हैं उनकी अरेंजमेंट क्या है और वो आपस में किस तरह से इंटरकनेक्टेड है तो हमें यही तो चाहिए कि एक मॉड्यूल module कितने मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है और वो आपस में किस तरह से इंटरक्टेड है तो हमारा काम जो है ना वो फेंटोन ने जो है ना बड़ा आसान कर दिया जनाब जो है जिसने ये हमारे पास ये मैट्रिक्स जो है प्रपोज की है तो उसने बड़ी हमारी ये जिंदगी आसान कर दी और उसने ये हमें पैरामीटर्स दिए हैं जो आपको राइट साइड पे डायग्राम के लिखे हुए नजर आ रहे हैं सपोज करें कि ये एक प्रोडक्ट का आर्किटेक्चर है जिसमें मेन मॉड्यूल को हमने सब मॉड्यूल्स में डिवाइड किया हुआ है ठीक है तो हाँ मैं यहाँ पे नाम लिख दू फ जिसने ये मोर्फोलॉजिक मैट्रिक जो है ना वो डिफाइन किया है तो उसमें जो है ना ये पैरामीटर्स हैं जिसको कैलकुलेट किया जाता है अच्छा अब इसमें जो साइज है ना साइज का करता है दो चीजों साइज का करता है नोट्स को प्लस आर्क्स ठीक है नोट ईयरिंग यानी मॉड्यूल्स और ये कॉलिंग एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल को कॉल कर रहा है ये उनके दरमियान एक रिश्ता है और रास्ता है जिसको हम आर किया एच से रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले वो कहता है कि, कि किसी भी आर्किटेक्चर का साइज जो होता है ना वो दो चीजों पर मुश्तमिल क्योंकि उसमें दो ही चीजें नजर आ रही हैं आपको एक तो मॉड्यूल्स नजर आ रहे हैं और उसकी इंटरकनेक्शन नजर आ रही है आपको कि कौन सा मॉड्यूल किस से कनेक्टेड यानी कौन सा मॉड्यूल किस मॉड्यूल को कॉल कर रहा है या किस मॉड्यूल में सब डिवाइडेड है ठीक है तो वो कहता है साइज इन दोनों चीज़ों से निकलता है कि आप मॉड्यूल्स को काउंट uh, कर लें यानी नोट्स को काउंट कर लें और उनकी आर्ट्स को गिन लें और ये दोनों को सम कर दें तो ये, उस, ये उसका साइज हो जाएगा ये उस आर्किटेक्चर का साइज हो जाएगा तो आइए अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितने मॉड्यूल हैं जी जनाब तो ये ए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ठीक है जनाब तो हमारे पास बिल्कुल सही है ट्वेल्व लिखा हुआ है हमारे पास ट्वेल्व नोट्स है और आर्ट्स कितनी है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ठीक है उसके बाद ग्यारह बारह तेरह चौदह और तेरह तो। ठीक है तमाम आर्ट्स को हमने काउंट कर लिया तो ये निकली है हमारे पास फिफ्टी ये निकली है हमारे पास फिफ्टी अच्छा डेप्थ किसको कहते हैं डेप्थ कहते हैं रूट नोट से लेके जो फार्देस्ट नोट है ना उसके पाथ की लेंथ पाथ की लेंथ क्या होता है? है। नंबर नंबर ऑफ ऑफ एजेस एजेस होती तो सपोज करें ए हमारे पास रूट नोट है और इससे फार्देस्ट जो नोट है ना वो कौन सी है के है और एल है ठीक है तो के ए से अगर हम के की तरफ जा रहे हैं एक ये आई गई हमारे पास ये दो ये तीन ठीक है तो हमारे पर डेप्थ क्या हो यहाँ से निकल रही है थ्री अब एल को देख लें तो ए से हम आए डी पर और डी से गए आई पर और आई से एल पे आ गए ठीक है अब आप कहेंगे कि यहां से भी तो आप आ सकते हैं ये ए से आप सी पे चले गए सी से ई e पे गए फिर एच पे गए और फिर एल पर आए ये तो चार हो गई तो याद रखिएगा किसी नोट से किसी दूसरे नोट तक अगर दो रास्ते हैं तो हम उसमें से किसको कंसिडर करेंगे शॉर्टेस्ट पाथ को तो ए से लेके एल तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसमें थ्री ए uh, है ठीक है तो डेप्थ जो है इसकी क्या हो जाएगी इस आर्किटेक्चर की डेप्थ हो जाएगी आपके पास थ्री और विट जो होता है वो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स जो सबसे ज्यादा हो किसी भी लेवल पे तो यहाँ पर आपके पास आर्किटेक्चर में ये लेवल नंबर जीरो है ये लेवल नंबर वन है ये लेवल नंबर टू है लेवल नंबर थ्री इसमें लेवल नंबर टू पे सबसे ज्यादा नोट्स है यानी सिक्स तो ये हमारे पास इसकी हो जाएगी जनाब विस्तुगी जनाबी अच्छा अब वो ये कहता है कि टू नोट भी निकाल लीजिए आप जी जनाब ये किस चीज को शो करता है ये तो अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने जा रहा हूँ ठीक है एच यानी आर्ट्स टू नोट रेशो तो आर्ट्स है आपके पास फिफ्टीन और ट्वेल्व है नोट्स तो ये बन रहा है वन पॉइंट टू फाइव ठीक है ये बन रहा है रेशियो एच टू नोट रेशियो बन रहा है और ये रेशो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है ये रिप्रेजेंट करता है कपलिंग कपलिंग तो. क्या है डिग्री ऑफ बिटवीन सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स और कंपोनेंट्स सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स और कंपोनेंट्स के दरमियान इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे पे वो कितना डिपेंड कर रहे हैं यानी एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं या एक दूसरे यानी एक पेरेंट मॉड्यूल है वो सब मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है तो वो जाहिर है उससे रिलेटेड है ना तो उनकी इंटरडिपेंडेंस को तो शो करती है कपलिंग और ये कपलिंग जो है ना ये हम अच्छी तरह से इसको क्वॉंटिफाई या मेजर कर सकते हैं ठीक है विद द हेल्प ऑफ द रेशियो ये जो रेशियो है जिसको हमने नाम दिया आर का ठीक है ना तो साइज क्या हो गया नंबर ऑफ नोट्स और एजेस जिसको हम आर्स भी बोलते हैं और जनाब रेशो हो गया आपके पास ए डिवाइडेड बाय एन कितनी कितनी आर्स है डिवाइडेड बाय कितनी नोट्स ठीक है इट मेजर्स मेजर्स दिस रेशियो द कनेक्टिविटी डेंसिटी कितना डेंस है आपका कनेक्शन ऑफ द आर्किटेक्चर एंड प्रोवाइड्स एन इंडिकेशन ऑफ द कपलिंग ऑफ द आर्किटेक्चर ये कपलिंग के बारे में क्या करता है इंडिकेशन देता है अच्छा क्या मतलब जनाब मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं फॉर्मूला ए अपॉन एन तो ए अपॉन एन सपोज करें ये फिफ्टीन है एच और ट्वेंटी नोट्स है ये हो गया तकरीबन 0.75 यानी लेस देन 1 तो अगर ये रेशो जो है वो लेस देन 1 है तो इसका मतलब है एजेस कम है 15 और नोड्स ज्यादा है 20 सपोज करें तो फिर ये लोअर कपलिंग हो गई ठीक है इसका मतलब है कि ज्यादा मॉड्यूल्स जो है ना वो इंडिपेंडेंट हैं और जो एजेस है ना वो कम है यानी इंटर डिपेंडेंसी कम है हर मॉड्यूल अपना किरदार अदा कर रहा है तो ये अच्छा रहता है यानी कि ये डिजायरेबल है ताकि अगर कहीं भी एरर आएगा तो आपको सिर्फ उस मॉड्यूल में जाके आप चेक कर लेंगे ठीक है ना और जो उससे थोड़ा बहुत कनेक्टेड है उनको देख लेंगे लेकिन अगर ये रेशो ग्रेटर देन वन इसका मतलब है एजेस ज्यादा है नोट्स कम है तो इसका मतलब है कि ये क्या है हाई कपलिंग है

तो टेस्टिंग बड़ी डिफिकल्ट हो, हो जाएगी तो इसका मतलब है कोई दरमियान का रास्ता लेना चाहिए अच्छा वो तो बात हो गई जनाब आपके रेशो की अब हम बात कर लेते हैं जो दो और पैरामीटर मॉर्फोलॉजी मैट्रिक हमें दे रही है यानी दो और पैरामीटर जिन पर फेंटॉन बात कर रहा है वो है डेप्थ और वृथ्थ ठीक है ना अब यहां पर भी जाहिर बात है कि एक दरमिया रास्ता और मॉडोरेशन की जरूरत है ये देखिए इंतहा क्या हो सकती है इंतहा ये हो सकती है डेप्थ शेलो है और बहुत ज़्यादा है किसको कहते हैं ये देखें ये ये है ये है ये है विट। यह विट। यहां पर डेप्थ बढ़ती चली जा रही है और यूं जो है ना विथ बढ़ती चली जा रही है अब इसके क्या नजरियात है शेलो डेप्थ और विथ लार्ज यानी ये एक फ्लैट टाइप का स्ट्रक्चर है मैनी मॉड्यूल्स और नोट्स आर एट द सेम लेवल ठीक है ना तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बिछा हुआ है लेटा हुआ है फ्लैट सिस्टम इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज इन टर्म्स ऑफ का स्ट्रक्चर है और हैरान की उसमें कम है ठीक है ना तो अब इसमें क्या होगा कि हर मॉड्यूल चाह रहे हैं कि मैं अपना इंडिपेंडेंट रहू ज्यादा नीचे और कॉल ना करूँ इसका मतलब हर है हर मॉड्यूल जो है ना थोड़ा हैवी है आप ठीक है ना अगर मैं हैरान बढ़ाता हूँ तो क्या होगा हर मॉड्यूल अपने में से कुछ काम किसी और मॉड्यूल को तो सौंपेगा लेकिन यहाँ ये यह कि सारा जो है ना मॉड्यूल ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली है आप सपोज करें कि मुझे रीयूजिलिटी करनी है किसी और प्रोजेक्ट में इस मॉड्यूल को लाना है तो मैं यही सोचता रह जाऊंगा ना यार पूरा ऐसे ही सेम अगर टास्क मुझे किसी और में मिल रहा है तो फिर मैं इसको यहाँ से लेकर के वहां शिफ्ट करूँ क्योंकि तो इस मॉड्यूल में बहुत सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है अब बिल्कुल सिमिलर टाइप की चीज कहीं और मिलेगी तो मैं इस मॉड्यूल को क्या करूंगा माइग्रेट करके और इस मॉड्यूल को कॉपी करके दूसरी एप्लीकेशन में ले जाऊंगा मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि बाल दफ़े इतनी से मिली मिलती नहीं है तो जब हम किसी मॉड्यूल को और मॉड्यूल को सब डिवाइड करते हैं तो जो सब मॉड्यूल्स होते हैं ना वो कहीं पर मैच कर जाते हैं तो हम उनको, उनको दूसरे एप्लीकेशन में ले जाते हैं तो ऐसा करने से क्या होगा कि हर मॉड्यूल में जो है ना रिटर्नमेंसी बहुत ज्यादा हो जाएगी क्योंकि वो अपना काम किसी और को दे नहीं रहा है ठीक है और उसकी रीयूजिलिटी भी कम हो जाएगी तो शेलो डेप्थ होने का थोड़ा ये नुकसान है कि जहाँ मॉड्यूल्स जो है इंडिपेंडेंट होंगे ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होगी वहीं पर क्या है कि ये ये रीयूजिलिटी और रिटर्नसी जो है ना ये इसका मसला है अच्छा अगर हम डेप्थ बहुत ज्यादा बढ़ा देते और विथ को कम कर देते तो क्या हो जाएगा कि यानी हमने किसी टास्क को जो है ना ये नहीं सोचा कि इसको डिवाइड कितने और सेक्शन में करें जो इंडिपेंडेंट ठीक है हमने क्या किया कि बड़े बड़े आ, सब प्रोजेक्ट्स में डिवाइड कर दिया अब हर प्रोजेक्ट जो है ना वो डीप डाउन बहुत ज्यादा लेवल्स में जा रहा है तो इससे क्या हो जाएगा टेस्टिंग बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी ठीक है यानी कहीं पे आप छेड़ेंगे ना तो क्या होगा कि फिर आपको उसकी डिपेंडेंसी और जगह पे बहुत चेक करनी पड़ेगी इसी तरह से है कि जब आप उसको मेंटेन करेंगे कुछ हफ्ते बाद साल के बाद छह महीने बाद तो फिर मेंटेनेबिलिटी भी जो है ना मुतासर हो तो डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है तो इसमें भी यह है कि मोड्रेशन बहुत जरूरी अच्छा जरा ये तो हो गई कि किसी भी डायग्राम से आप किस तरह से मॉर्फोलॉजी मैट्रिक्स के पैरामीटर निकाल सकते हैं और उसमें जो खास चीज है रेशियो वो किस तरह से कपलिंग को रिप्रेजेंट करता है अब आ जाते हैं मैं किताब के एक सवाल की तरफ आता हूँ किया है प्रेसमेंट की बुक में लेकिन जनाब उसमें एरर है तो मैं ये अक्सर लोग जो यूट्यूब पे इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो क्या करते हैं मनोहन इस एग्जाम्पल को ऐसे ही पढ़ा रहे हैं जैसे है लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आपके सामने हकीकत को ले आऊ यहाँ पर जो है ना कुछ ना कुछ ये कि प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम क्या है देख लेते हैं सबसे पहले हम इसके वही सारे पैरामीटर कैलकुलेट कर लेते हैं जी पैरामीटर कैलकुलेट कर लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ नोट्स और आर्ट्स ठीक है नंबर ऑफ नोट कितने एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह ठीक है एजेस कितनी है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह सेवेंटीन तो साइज क्या निकला एन प्लस ए सेवेंटीन प्लस सेवनटीन से थर्टी फोर अकॉर्डिंग टू दिसग्री ठीक है डेप्थ कितनी है डेप्थ और विथ कितनी है तो डेप्थ क्या होगा रूट से जो फार फार्थेस्ट नोड है यानी कि जैसे एच ये एम है एन है तो इस पे कितना फासला है आप ये देख ले एक एच दूसरी और तीसरी तो यहाँ से क्या निकली आपके पास डेप्थ थ्री यहाँ पर भी देख लीजिए वन टू थ्री तीन ही लेवल्स हैं इसमें एक दो ठीक थी। है ना चौथा लेवल नहीं है ये आपके पास लेवल जीरो है लेवल वन है लेवल टू है लेवल थ्री है तो डेप्थ आपके पास निकली यहाँ से थ्री और विथ कितनी है किसी भी आ, किसी भी लेवल पे जो हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉड्यूल्स है तो लेवल टू पे देखें छे है और लेवल थ्री पर भी सिक्स मॉड्यूल्स है तो विथ हमारे पास आ गई सिक्स लेकिन अगर आप बुक में देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है साइज यानी आर्ट्स जो लिखी हुई है वो लिखी है एटीन और साइज आ रहा है इसकी 35. अब ये मसला कैसे हुआ? अगर आप डायग्राम पे गौर करें तो आप जरा इधर आए वो नहीं आता फर्क तलाश करें अखबारों में तो यह, यहाँ पर आप आए और ये देखें आप इसका कहीं कनेक्शन नजर आ रहा है किसी मॉड्यूल से इस बेचारे मॉड्यूल का कनेक्शन नहीं है इसका मतलब है यहाँ पर कहीं कोई एज मिसिंग है या तो यहाँ मिसिंग है या ये यहाँ मिसिंग है समझ गए आप तो यहाँ पर कहीं जो है ये एज जो है मिसिंग है तो अगर वो एज हम करते हैं या तो ये कर दे कर दे वट एवर ये आर के साथ जिसका भी कनेक्शन है तो उसमें फिर क्या हो जाएगा एज एक ज्यादा हो जाएगी होनी भी चाहिए क्योंकि आर तो बिल्कुल आइसोलेटेड है वो तो कनेक्टेड ही नहीं है किसी से तो हो सकता है कि ये डायग्राम भी इस गलती की वजह से यहाँ पर ये आ रहा हो लेकिन डेप्थ वाला जो मसला है ना वो बड़ा अलार्मिंग है ठीक है ये कह रहा है तो ये जो डेप्थ यहां पर इन्होंने कैलकुलेट करके दी है हमें फोर ये बिल्कुल गलत है ये उस सूरत में सही हो सकती थी अगर आर जो है आर को आप एक लेवल यहाँ क्यू से नीचे उतार दें तब तो हो सकता है कि ये यह यहाँ पे एक दो तीन और ये चार लेवल हो जाते फिर फिर आप आर तक पहुंच जाते और ये सही हो जाता फिर इस इन दोनों एजेस की जरूरत नहीं पड़ती तो तो डेप्थ हमारे पास फोर आ जाती लेकिन जो करंट डायग्राम है कम से कम इससे डेप्थ फोर नहीं निकल रही लेकिन अगेन आर की कोई कनेक्टिविटी नहीं है तो यहाँ से भी डायग्राम ली गई है किताब में तो ये करेक्ट नहीं है तो लोग क्या करते हैं यही डायग्राम दिखा के ये पैरामीटर्स बढ़ा देते हैं छुट्टी कर देते हैं इसमें आर निकल रहा है, है लेकिन उस सूरत में जब अगर एजेस हमारी एटीन हो जाए जबकि यहाँ पे एक एज मिसिंग ठीक है तो मैं ये बताना चाह रहा था कि आपको यूट्यूब में कई जगहों पर इस एग्जाम्पल का डिस्कशन मिलेगा मोर्फोलॉजी मैट्रिक्स के हवाले से लेकिन ये थोड़ा सा इसमें एरर है गलती है ठीक है नंबर ऑफ एजेस की गलती है अगर वो एज कोई एक तस्वर कर ले फिर ये 18 सही है फिर भी लेकिन डेप का मसला तो स्टिल यहाँ पर रहेगा लेकिन ये मैंने फेंटोन की अपनी किताब से ली है और इसमें जो पैरामीटर्स कैलकुलेट हुए हैं पिक्चर के साथ है ठीक है ये मैंने नहीं कैलकुलेट किए हैं ये पिक्चर के साथ ये पैरामीटर्स कैलकुलेट हुए हैं तो इनके तहत तो डेप बिल्कुल सही निकली हुई है वही फॉर्मूला जब मैंने वहां लगाया तो वहां पे गलत आ रहा है तो हम उसी की बात करेंगे जिसने मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस किए उसकी बुक में ये एग्जाम्पल है और ये पैरामीटर्स हैं तो फिर इसका तो मतलब है ये चीज सही है ठीक है ना तो मैंने कहा चले लास्ट में मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि प्रेसमैन की बुक में ये एरर है ओके थैंक यू वेरी मच